माननीय निदेशिका महोदया, आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदया, प्रिय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं शिवलक्ष्मी कक्षा पाँचवीं वर्ग व की सरस्वती इंग्लिश हाई स्कूल की छात्रा हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। आज हमारी शाला में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा भारत का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है, जिसे हमारे देश में व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन को सभी शिक्षकों के लिए मनाया जाता है और इसी दिन वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों की निर्मिति की थी। इसलिए भी गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और व्यास जयंती भी कहा जाता है। गुरु हम सभी के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु के महत्व और इसके मूल्य को सिर्फ शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। गुरु हमारे जीवन के सभी अंधकारों को मिटाकर हमें प्रकाश की तरफ आगे बढ़ाते हैं और सही मार्गदर्शन कर हमें सफलता की पथ पर ले जाते हैं। कबीर दास जी के दोहे के माध्यम से गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि हरि रूठे गुरु थौर है, गुरु रूठे नहीं थौर। अर्थात भगवान के रूठने पर गुरु की शरण रक्षा करती है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं है। इसलिए हर शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। वही गुरु के महिमा का बखान करना तो सूरज को दीपक दिखाने की तरह है। हम सभी को अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं महासंत कबीर दास जी के एक दोहे के माध्यम से अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। यह तन विश्व की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धन्यवाद।